तो चलिए दोस्तों, करेला को हम बीज से कट लगाकर इसके सारे बीज निकाल लेते हैं और इसे हम हल्का हल्का तेल में फ्राई कर लेते हैं। आपको तो पता ही है दोस्तों, करेला हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है। इसे खाने से किसी भी प्रकार के रोग बीमारी हमारे करीब भी नहीं आते। ये देखिए दोस्तों, हमने करेले को बीच बीच से कट लगाकर सारे बीज निकाल दिया है। अब इस बीज को हम फेंकेंगे नहीं, क्योंकि करेले और करेले के बीज सभी स्वास्थ्य में 100% बेनिफिट होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। इसलिए हम दोस्तों करेले के बीज को मसाले के साथ ऐड करके पका लेंगे और इसमें भर देंगे करेले में। तो चलिए करेले को हम फ्राई कर लेते हैं और मसाला हम ले लेते हैं। हमें करेले के भरवे का मसाला क्या क्या लेना है हम ले लेते हैं। मसाले में दोस्तों हमने 2 प्याज, लहसुन, खड़ा मसाला, जीरा, धनिया, गोल मिर्च, 3 लौंग, लाल मिर्च, अदरक का 1 टुकड़ा, हरी इलायची और दालचीनी लिया हुआ है दोस्तों। इस सबको हम पेस्ट बना लेते हैं मिक्सी जार में। टमाटर को भी हमने 1 टमाटर लिया, इसे भी पेस्ट बना लेंगे। ये कड़ी पत्ता है दोस्तों, फ्राई करते वक्त मसाला में डालेंगे दोस्तों कड़ी पत्ता को। तो चलिए दोस्तों, पहले प्याज लहसुन और मसाले को, स्पाइस को हम मिक्सी जार में पीस लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने मसाले को मिक्सी जार में पेस्ट कर लिया है। चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो तेल गर्म हो चुका है, अब हम एक एक करेले को फ्राई कर लेते हैं। करेले फ्राई हो चुके हैं दोस्तों, अब हम इसे निकाल कर मसाले फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों हम इस तेल को फेंकेंगे नहीं, इसी तेल में हम करेले का तला हुआ तेल है तो इसी में मसाला पकाएंगे। पहले सरसों डाल देते हैं। ये देखिए दोस्तों, करेला हमने फ्राई कर लिया है, अब चलिए इसके मसाले हम पका लेते हैं। कड़ी पत्ता, सरसों, हींग डाल दिया हुआ है, मसाला भून रहा है दोस्तों। अब हम इसमें डाले हैं हल्दी, नमक और कश्मीरी मिर्च। हम इसमें आमचूर डाल देते हैं आधा चम्मच। ये देखिए दोस्तों, बीज है इसमें, आराम से इसे फ्राई कर लेते 5 मिनट। ये देखिए दोस्तों, मसाला फ्राई हो चुका है, अब चलिए हम करेले में भर के भरवा तैयार करते हैं। ये देखिए दोस्तों, तैयार है। अब ये हल्का हल्का फिर से इसे फ्राई करके सेक लेते हैं ताकि जो भी हमारी करेला थोड़ा बहुत कच्चा हो वो ढंग से पक जाए। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और करेला का भरवा रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।